तो हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि कोई भी चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। उसके बाद हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। इनर्शिया क्या था? कोई भी चीज होती है उसकी अपनी जो भी स्टेट ऑफ मोशन होती है, चाहे वो रुका होना होता है चाहे वो चलते होना होता है, वो उसे मेंटेन करना चाहती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और इसे हमने डिफरेंट एग्जाम्पल से देखा था। एक एग्जाम्पल हमारा था कैरम वाला, एक एग्जाम्पल था कि जिसमें ग्लास में कॉइन गिर जाता है, और थर्ड एग्जाम्पल था कि ट्रे के ऊपर जो ग्लास है उसका पानी गिर जाता है। इसके आगे हम पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है? ऑल द एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार इलस्ट्रेट दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल पढ़े, चाहे कैरम वाला हो, चाहे ग्लास वाला हो, चाहे कॉइन वाला हो, या चाहे कि कोई पर्सन कार में जा रहा है सडन टर्न हो, तो इन सभी एग्जाम्पल्स में से हमने क्या पढ़ा कि एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब कि वो चीज ऐसा नहीं करना चाहती है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं करना चाहता। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, किसी चीज को मना करना। तो ऑफर, तो रेजिस्टेंस ऑफर होता है ऑब्जेक्ट द्वारा, कि मीनिंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता? वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को वो चेंज नहीं करना चाहता, इसे वो रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब उसका अपोज करता है। तो सभी एग्जाम्पल में हमने ये देखा, इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। तो अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका रहना चाहता है, और वो चल रहा है तो वो चलता रहना चाहता है, लेकिन वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता। उसके लिए उसकी में क्या है? रेजिस्टेंस है, वो अपोज करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। ये इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, जो अपोज करने की प्रॉपर्टी है, इनर्शिया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या सभी चीजों का इनर्शिया एक जैसा होता है, सेम होता है? वी नो दैट इट इज ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ फुल बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका इनर्शिया सेम होगा। इनर्शिया सबके पास है लेकिन सबका इनर्शिया सेम नहीं होता। कैसे? हमें ये अपने हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि कोई एम्प्टी बॉक्स है, उसे जो है पुश करना ज्यादा आसान है एक बॉक्स जो फुल ऑफ बुक्स हो। अगर कोई हम बड़ा बॉक्स लें जिसमें बुक्स ही भरी हुई हैं, तो उसे पुश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी एम्प्टी बॉक्स को पुश करना आसान होता है। यानी उसमें स्टेट ऑफ मोशन में आसानी से चेंज आ गया जो एम्प्टी बॉक्स था, लेकिन जो जिस बॉक्स में बुक्स भरी थी उसमें नहीं आया। सिमिलरली इफ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, बट इफ वी किक अ स्टोन ऑफ सेम साइज विद इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स। तो इसी तरीके से जब हम फुटबॉल पे किक करते हैं तो किक करने के बाद फुटबॉल बहुत दूर चली जाती है, लेकिन अगर हम फुटबॉल जितना बड़ा स्टोन ले लें तो ये स्टोन कितना बड़ा है? फुटबॉल जितना बड़ा। और इस पे हम किक करें तो ये मूव भी नहीं करेगा, इट हार्डली मूव्स, और हमें चोट और लग जाएगी, हमें चोट और लग जाएगी, और वो हार्डली थोड़ा सा चलेगा, क्योंकि स्टोन क्या था? बहुत भारी था, फुटबॉल से बहुत भारी है। वी मे इन फैक्ट गेट एन इंजरी टू आवर फुट वाइल डूइंग इट। तो इसमें यह भी लिखा है कि अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हमारा फुट भी इंजर हो जाएगा, हमारा फुट भी इंजर हो जाएगा, क्योंकि पत्थर बहुत भारी है, हमें चोट लग सकती है। सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2 इंस्टेड ऑफ अ, तो एक्टिविटी 9.2 में अगर हम 5 रुपी कॉइन है, इफ वी यूज ए 1 रुपी कॉइन वी फाइंड अ लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। तो अगर इस एक्टिविटी में हम 5 रुपी कॉइन की जगह 1 रुपी कॉइन रख दें तो हम क्या देखते हैं? वी फाइंड दैट अ लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम फोर्स लगाना पड़ेगा सेम एक्टिविटी के लिए। जैसे ही हमने सिक्का 5 की जगह 1 का करा तो हमें क्या होगा? कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इफ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस अ नेग्लिजिबल चेंज इन मोशन ऑफ अ ट्रेन। तो ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फोर्स जो मान लो कुछ फोर्स है वो कुछ न्यूटन का हो सकता है, मान लो कितने भी न्यूटन का हो सकता है, वो सपोज माना हमने 10 न्यूटन है, वो फोर्स 10 न्यूटन है।
तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार्ट टू पिकअप अ लार्ज वेलोसिटी। तो इस 10 न्यूटन के फोर्स से हमने एक जो छोटा सा कार्ट है, कार्ट का मतलब जिसमें सामान रखे हैं, सामान रखते हैं, तो ये कार्ट में अगर हमने व्हील लगा रखे, इसे 10 न्यूटन से हमने पुश करा, तो हो सकता है कि ये लार्ज वेलोसिटी यानी ये काफी तेज चलने लगे हम इसे 10 न्यूटन के फोर्स से पुश करें। बट सेम फोर्स होगा, उससे बड़ी सी ट्रेन जो होगी, ट्रेन वो उसमें कुछ भी नहीं होगा, ट्रेन चलेगी ही नहीं। हम जो सामान रखने की कार्ट है अगर उस पर हम पुश करते हैं तो वो चलने लगता है और काफी तेजी से चलने लगता है। लेकिन हम अगर सेम फोर्स के हम अपने पूरे फोर्स से भी ट्रेन को पुश करें, ट्रेन हिलेगी भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज इन कंपेरिजन टू द कार्ट द ट्रेन इज ए मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इनर्शिया वाली बात पे आते हैं। तो जो कार्ट का इनर्शिया था वो कम था, कार्ट का इनर्शिया कम था, ट्रेन का इनर्शिया बहुत ज्यादा, ट्रेन बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी की वजह से उसका इनर्शिया क्या है, बहुत ज्यादा इनर्शिया है इसमें, ट्रेन में इनर्शिया बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से ट्रेन में हम इसे मूव नहीं कर पाते, ट्रेन छोड़ो बस भी नहीं मूव कर सकते हम। क्यों? क्योंकि इनर्शिया बहुत ज्यादा है। दिस इज बिकॉज इन कंपेरिजन टू कार्ट द ट्रेन हैज अ मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो टेंडेंसी, तो ये लेसर टेंडेंसी का मतलब क्या है कि उसकी इच्छा नहीं है ट्रेन की बिल्कुल भी चेंज करने की अपने स्टेट ऑफ मोशन को, उसका अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, यानी उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा उसका रेजिस्टिंग पावर, उतना ज्यादा वो अपोज करेगी। तो ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है, अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज मोर इनर्शिया देन द कार्ट। तो किसका इनर्शिया ज्यादा है? ट्रेन का इनर्शिया कार्ट से ज्यादा है, क्योंकि कार्ट इजी से फिर भी इजीली चल गई, वो चाहती तो नहीं है लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया। लेकिन जैसी ट्रेन है, ट्रेन पे थोड़ा सा फोर्स लगाने पे वो नहीं चलेगी, उसको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। क्लियरली, तो अभी जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे, क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया। इससे हमें क्या पता चलता है? जो भी चीजें हैवी होती हैं उसमें क्या होता है, उसे ज्यादा इनर्शिया की जरूरत होती है। जितनी भी चीजें हैवी हैं उसमें क्या है, हमें ज्यादा इनर्शिया की जरूरत होती है। जैसे खाली बॉक्स इजीली हिल गया, लेकिन जो भरा हुआ बॉक्स था उसमें ज्यादा इनर्शिया है तो वो आसानी से नहीं हिल रहा। ऐसे ही फुटबॉल आसानी से किक हो गई, लेकिन पत्थर जो हैवी था वो नहीं किक हुआ। 5 रुपी का कॉइन में ज्यादा मेहनत लगी, ज्यादा फोर्स लगा, 1 रुपी कॉइन में नहीं लगा, क्योंकि 1 रुपी कॉइन हल्का होता है। सिमिलरली कार्ट इजीली पुश हो गई, ट्रेन पुश नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ट्रेन और ये सारे जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स थे उसमें जो है क्या था, इनर्शिया ज्यादा था, वो अपनी जगह से नहीं हिलना चाह रहे थे बिल्कुल भी। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई इट्स मास। तो अब देखो इसी बात को इन्होंने आगे बढ़ाया है कि इनर्शिया जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हम किससे मेजर करते हैं? उसके मास से। तो मास एक तरीके से क्या है, एक तरीके से इनर्शिया के ही, इनर्शिया का ही रोल करता है। मास से ही हम इनर्शिया को मेजर करते हैं। वी मे दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि मास और इनर्शिया रिलेटेड है, क्योंकि मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम मास और इनर्शिया को रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ द रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो क्या है इनर्शिया? क्या है इनर्शिया? किसी भी चीज की नेचुरल टेंडेंसी, यानी वो नेचुरल है किसी भी ऑब्जेक्ट की। किस चीज की टेंडेंसी है? रेजिस्ट अ चेंज, चेंज को अपोज करने की। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोज करना। रेजिस्ट का मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर, अपोज करना। रेजिस्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को अपोज करना, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो क्या चीज रेजिस्ट करती है इनर्शिया? स्टेट ऑफ मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को, या रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट भी हो सकती है या वो चल भी रही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो इनर्शिया क्या करता है? इसे रेजिस्ट करता है। और मास क्या है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट उस चीज का अपोज करता है अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का। और मास क्या है? मास उसी का मेजर है कि वो कितना ज्यादा अपोज करेगा। तो दो चीजें आई कि एक तो वो अपोज करेगा, वो प्रॉपर्टी क्या है? वो इनर्शिया। और कितना ज्यादा अपोज करेगा वो मास से पता चलता है, वो मास से पता चलता है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, तो इनमें से किस में ज्यादा इनर्शिया है, ए रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज, तो स्टोन में डेफिनेटली भारी है, ए बाइसिकल और ट्रेन, ट्रेन में, ए 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस, तो अब हमें ये बताना है कि इन ये जो नीचे एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंज होती है। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल एंड किक्स इट फॉरवर्ड टुवर्ड अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो सबसे पहले कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है इसमें हमें यह बताना है, और क्या चीज है, क्या एजेंट है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है जिससे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये हमने बताना है। इसको आप लोग अपने आप करिए क्योंकि आसान एग्जांपल है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी रिगरसली शेक इट्स ब्रांच, तो इसे ऐसा क्यों होता है कि कुछ सारी लीव्स जो होती हैं वो टूट के गिर जाती हैं, वो टूट के गिर जाती हैं जब हम पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर ये है कि जब भी हम पेड़ को जोर जोर से हिलाते हैं तो पेड़ तो मोशन में आ गया बट लीव्स क्या है वो अपनी जगह ही रहना चाहती हैं। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो पत्तियां भारी हो, या तो वो पत्ती भारी हो, उसका मास ज्यादा हो, तो एम ज्यादा हो, उसका मास ज्यादा हो, तो वो हिलने में वो कम हिलेगी और पेड़ ज्यादा हिल रहा है तो वो अपनी जगह से टूट जाएंगी। या दूसरा कई बार केस होता है कि वो जहां से जुड़ी हुई होती है, पत्ती जैसे जुड़ी हुई होती है पेड़ से, वो जो है जॉइंट बहुत स्ट्रांग ना हो, तो ये जॉइंट पहले से ही कच्चा हो जाता है, कई बार सूख जाता है, तो भी पत्तियां टूट के गिर जाएंगी क्योंकि पत्तियां हिलेंगी नहीं, पेड़ हिल रहा है तेजी से, तो पत्तियां अपनी स्टेट ऑफ मोशन को वहीं इनर्शिया की वजह से बनाए रखती हैं, जबकि पेड़ हिल रहा है तो वो टूट के गिर जाती हैं। कई बार जब ये कमजोर होती है तो ज्यादा गिर जाती है, सारी नहीं गिरती लेकिन कुछ पत्तियां गिर जाती हैं, तो उसका रीजन यही है। कौन सी गिरती हैं? जो कमजोर होती हैं, जो अच्छे से पेड़ से अटैच नहीं होती, जिसका ये बॉन्डिंग अच्छे से अटैच नहीं है पेड़ से। किसी पत्ती का अच्छे से अटैच हो सकता है, किसी का ये देखो अच्छे से अटैच नहीं है, किसी पत्ती का बहुत अच्छे से अटैच हो सकता है। तो जो अच्छे से अटैच है वो तो अच्छे से मोशन कर लेंगी, लेकिन जिनका अच्छे से अटैचमेंट नहीं है वो गिर जाएंगे। Why do we fall in the forward direction when a moving bus breaks to a stop and fall backwards when it accelerates from rest? तो हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं जब जो है कोई बस चलती हुई बस जो है सडनली रुक जाती है, और जब सडनली कोई बस चलना स्टार्ट करती है तो हम पीछे को क्यों गिरते हैं? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके आंसर लिखना है कि जब बस अचानक से रुकती है तो हम आगे क्यों गिरते हैं, और जब बस सडनली चलना स्टार्ट करती है तो हम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, ये हमने बताना है।